प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर बात करते हैं और लगातार भ्रष्टाचार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आदेश निर्देश दिए जा रहे हैं, वहीं अमेठी में गरीब मजदूरों को रोजगार देने वाली महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। भ्रष्टाचारियों की काली निगाहें सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना की साख को अमेठी जनपद में बट्टा लगा रही है। इस योजना में रोजगार की गारंटी हो ना हो लेकिन भ्रष्टाचार की पूरी गारंटी है। दरअसल यूपी के जनपद अमेठी के अंतर्गत मुसाफिरखाना विकास खंड के एक गांव में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां जिम्मेदारों की मिलीभगत से बिना काम किए ही मजदूरों के खाते में रुपए आ गए हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये भी है कि मनरेगा में जेसीबी मशीन लगाकर काम कराया गया और उसके बाद फर्जी मजदूर दिखाकर धनराशि निकाल ली गई। दरअसल विकासखंड मुसाफिर थाना के सालपुर गांव निवासी राम अवध ने जिलाधिकारी अमेठी से शिकायत की है कि उनकी ग्राम सभा अंतर्गत पूरे सरफराज में ग्राम प्रधान ने जेसीबी मशीन से नाली की खुदाई करवाई है और ऐसे लोगों के नाम मस्ट रोल भरकर धनराशि निकाल ली जा रही है जो सऊदी अरब व दुबई जैसे देशों में नौकरी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का दावा ये भी है कि जेसीबी से नाली की खुदाई करने का उनके पास वीडियो भी है जिसमें प्रधानपति खुद खड़े होकर नाली की खुदाई करवा रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि यहाँ जितने भी लोगों के नाम धनराशि निकाली गई है उन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। प्रधानपति व उनके पिता खुद इस सूची में शामिल हैं। मैं मुसाफिर खाना के सालपुर गांव में एक मामला सामने आया जिसमें जेसीबी से नाले की खुदाई की गई और मनरेगा के नाम से पैसा निकाल लिया, क्या है? देखिए, मामला संज्ञान में आया है। किसी शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि ऐसा हुआ है। इस मामले की पूरी जाँच कराई जाएगी और जो दोषी है उनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। क्या नाम है दादा आपका? राम अवध। किस गांव के हैं? सालपुर। क्या करने आए हैं? यहाँ आए हैं जेसीबी से प्रधान जी नाली खुदाई मनरेगा से पैसा निकालने, और उसका हमारे पास वीडियो भी है। 70 साल, 80 साल, 85 साल, 75 साल आदमी के मजदूरी लगाई जात है। हम लोग काम कर ले रहे हैं, हम लोग का काम मिला कहीं से? कहीं शिकायत की है इसकी? शिकायत किया है, शिकायत डेम किया की। क्या बोले डीएम? तो डीएम कहें कि इसकी जांच करो। तो जांच आई है एक दिन रात। राम आजादी। किस पद पे हैं? प्रधान प्रधान। कहाँ? सालपुर। ये एक शिकायत हुई है जिसमें ये कहा है कि जो है जेसीबी से नाली का निर्माण करा रहे हैं, उसके संबंध में वीडियो भी आ रही है, क्या है ये? जी ऐसा नहीं था, मैंने बता दिया था उसको अधिकारी से कि सर रास्ते का मैटर है, उसमें भैंस गोरू या आदमी आते जाते थे, उसी आधार से उसको जल्दी खुदाने के लिए जेसीबी से खुदवा दिया गया था नाली, लेकिन उसका परमिट हम लोग मिट्टी के नहीं लिए थे। मैंने बता दिया कि सर बहुत है, 2 भैंस ऐसे गिर गई थी उसमें, हमेशा चालू रास्ता था, बीचों बीच की नाली बननी थी, इसलिए उसको खुदवा कर जल्दी, मजदूर से कम से कम 15 रुपये दिन समय लगता, इसीलिए उसे जल्दी से, काफी आदमी की परावत भैंस गिर गई थी, काफी नुकसान हो गया था भैंस इलाज में, काफी नुकसान हो गया था, इसी वजह से उसे जल्दी के लिए मेरे अधिकारियों से बताया कि सर कम से कम 200 में नहीं जाना, जाना हमेशा उस रास्ते से। तो क्या ये अधिकारियों के संज्ञान में है कि आप जेसीबी से खुलवा रहे हैं? जी सर, हाँ हमने बता दिया। अधिकारी से बताया? मैंने जैसे अपने सचिव से बता दिया था कि सर उसको साफ करवाने के जल्दी करने के लिए, नुकसान हो जाएगा आदमी का। शिकायत ये भी है कि आपके घर के लोग ही मनरेगा के मजदूर जी सर? या तो हमारे जैसे पिताजी हमेशा सब वाइफ हैं? जी नहीं, हमारी वाइफ तो प्रधान ही है। हाँ, और आपकी माता जी हैं। जैसे इन लोगों ने जैसे पहले मजदूरी करते थे, इसे प्रधानी से पहले भी, आज भी मजदूरी करते हैं, उन लोगों को कोनो वो नहीं है, अपना है, सब लोग रोजी रोटी कमा खा रहे हैं, मजदूरी भी करते हैं, कोई शर्म नहीं है हम लोग। अच्छा, आपके यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी मनरेगा के मजदूर हैं जिनकी उम्र 70 साल है? नहीं, इसी बात का नहीं, 70 साल वाले बुजुर्ग आदमी नहीं लगे हैं, ये है 55, 60, 65 वाले तक हैं, 50, 25 महिला सब लोग काम करते हैं।